खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा भेजा गया सड़ा हुआ गेहूं अब वापस उठवा लिया गया है। मामले का मीडिया में आने के बाद संज्ञान लिया गया। आपको बता दें कि करनाल के गांव मुरादगढ़ में जनक फूड्स फ्लोर मिल में खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा सड़ा हुआ गेहूं मॉडिफाइड आटा बनाने के लिए भेज दिया गया था। इस खबर के मीडिया में उछलने के बाद असर ये हुआ कि ये सड़ा हुआ गेहूं प्रशासन ने वापस ले लिया है। साथ ही मिल मालिक को आश्वासन दिया गया है कि उसके यहाँ साफ गेहूं भेजा जाएगा। आपको बता दें कि इस फ्लोर मिल में इंद्री में पीडीएस के माध्यम से बटने वाला आटा हर महीने यहीं से पिस कर जाता है। मिल मालिक का स्पष्ट शब्दों में कहना है कि वह घटिया क्वालिटी का गेहूं किसी भी सूरत में नहीं लेंगे, उनको साफ गेहूं चाहिए, क्योंकि ये पीस करके पीडीएस के माध्यम से गरीब लोगों के घरों में जाता है जो इसकी रोटी बना के खाते हैं। यदि उनके पास घटिया आटा जाएगा तो उससे कोई भी बड़ा हादसा होने की संभावना रहती है, इसलिए उन्होंने घटिया गेहूं लेने से इनकार कर दिया है। हाँ जी सर, ये गेहूं आया था आपके पास खराब, इसी आज वापिस जा रहा, कितने बैग थे? ये 120 बैग के आसपास हैं जी। ये गेहूं थोड़ा ख़राब आ गया था और ये पीसने का लायक नहीं था, इसलिए हमने प्रशासन को बोल लिया भी ये ऐसे करके दिक्कत है, तो उन्होंने ये माल वापस मंगवा लिया है और अब दोबारा अच्छा माल दूसरी जगह से हमारे को सप्लाई करेंगे। तो ये कहाँ से माल आया आपके पास? ये माल कन्हैया राइस मिल असन से आया। टोटल कितने बैग वहाँ से आपके पास पहुँचे? 4000 के आसपास बैग हमारे पास टोटल वहाँ से पहुँचे हैं। अभी और कितना आना है इसमें? अभी 6000 बैग और आने हैं। तो आप क्या मांग है, कहाँ से आना चाहिए माल? हमारे तो मांग अभी अच्छा माल आना चाहिए, जहाँ से मर्जी आओ अच्छा साफ सुथरा माल होना चाहिए, क्योंकि गरीबों को जाना है सारा, और गरीब कहीं कोई खा के बीमार रहेगा तो मुश्किल हमारे को पड़ेगी, इसलिए हम इसको गंदे माल को पीस नहीं सकते, पीसेंगे तो हम मर जाएंगे। अधिकारी तो करते हैं, अभी यही उठाना पड़ेगा, अभी यही उठाना पड़ेगा, यही इसी को उठाओ, इसी को पिसो, छांट के उठा लो, पर वहाँ छटाई कैसे करें, क्यों ज़्यादा माल खराब है, थोड़ा माल ही ठीक है, वो उसकी छटाई हो नहीं सकती, इतनी ज़्यादा मात्रा में छटाई कर नहीं सकते, लेबर भी लोडिंग के टाइम लेबर भी जवाब दे देती है, अभी 3 बोरी बाहर गिरेगी, 1 बोरी अंदर गड्डी में जाएगी तो लेबर भी जवाब देती है लोडिंग के लिए, तो वहाँ छटाई करना मुश्किल है। सेंटर बिल्कुल खराब है वहाँ पर, हाँ वहाँ पर माल ज़्यादातर खराब हो चुका है। तो ये क्या पीडीएस का माल है सारा? हाँ ये पीडीएस का माल पिसाई करते हैं, एफर द्वारा टेंडर किया हुआ है 1 साल के लिए, हम उसकी पिसाई करते हैं। तो ये हर महीने कितना आता है? हर महीने 5000 या 6000 कुंटल, 7000 कुंटल तक आता है। तो अभी कितना बकाया आपका? अभी 3000 कुंटल बकाया है, 2000 कुंटल हमारे पास पहुँच चुका है, ये वहीं से छटाई करके ले आए थे माल, जो थोड़ा बहुत ठीक था उसको छटाई करके वहाँ से ले आए थे, ये जो आया ये उन्होंने खुद लोड करके भेजा था, और ये ज़्यादा हड़का माल था। मतलब आपका आदमी भी जाता है जब माल? हाँ माल हमारा आदमी जाता है उठवाने के लिए, तो वहाँ से छटाई करके लाते हैं वैसे तो, बाकी ये उन्होंने खुद लोड करके भेजा था, ये ज़्यादा हड़का भेज दिया था। ये अपने आप डाल दिया? हाँ ये अपने आप लोड करके अपने आप ही भेज दी थी गड्डी। तो लापरवाही दिखाते हैं जो सेंटर का मतलब माल लगे हुआ है, तो अधिकारी लापरवाही करते हैं सारी? बस लापरवाही तो करते ही हैं, पानी लगा देते हैं, वो माल ख़राब हो जाता है, ये माल 2-3 साल पुराना है, ये सारी इसीलिए ख़राब है, कुछ बाहर लग रहा, ये चक्कर है जी। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक